अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे डॉक्टर सैयद शाहिद, जो कि आवर लेक्चर इज दरमियानी डेफिनेशन ऑफ कैथोड एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस ट्यूब्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लगातार सिलेबस के साथ साथ हम जा रहे हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में है तो उसी के साथ साथ हम जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरमियानी डेफिनेशन ऑफ कैथोड एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरेस क्या चीज़ है, एक्सरे के ट्यूब कैसे बनते हैं, सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्सरेस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, वो काम किस तरह करते हैं, तो सारे के सारे उस पर हमने डिस्कशन कर ली थी। तो आज के डिस्कशन में जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है कि कैथोड रेज से जो दरमियाने के मिशन होते हैं, जो हीटर प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके बारे में आज हमने ज़रा सी डिटेल में बात करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए कोट है कि नॉलेज इज़ नॉट पावर अंटिल इट इज़ अप्लाइड, कि आपकी एजुकेशन, आपका जानना, ये तब तक एक ताकत नहीं है आपके लिए जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, जब तक आप उसको ख़ुद पे अप्लाई नहीं करते, लोगों पे अप्लाई नहीं करते, तो ये आपके लिए एजुकेशन आपके लिए पावर नहीं है, नॉलेज आपके लिए पावर नहीं है। तो टॉपिक पे जाते हैं, दरमियाने के मिशन क्या चीज़ है। दरमियाने के मिशन इज़ डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रॉन एमिशन कॉज बाय दी सफिशिएंसी हाई लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी। इसका मतलब क्या है दरमियाने के मिशन का, कि टर्म का हीट का प्रोड्यूस्ड होना, इमिट होना, किसी जगह से निकलना, तो उसका मतलब यह है कि किसकी वजह से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की मिशंस की वजह से होते हैं। और वो किस वजह से होते हैं, जब हाई लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी वो प्रोड्यूस हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, दरमियाने के मिशन होता है। व्हेन ए मेटल इज़ हीटेड सफिशेंटली, जब एक मेटल है अगर वो सफिशेंटली हीटअप हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये थर्मल एनर्जी सप्लाई टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको थर्मल एनर्जी सप्लाइड हो जाएगी। कॉजेज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी मेटल सरफेस, उसकी वजह से क्या होगा, जब हम थर्मल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेटल की सरफेस से इमिट हो जाएंगे। This occur because of thermal energy given to a carrier outcome of the work function of the material. ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जो दरमियाने के मिशन या सॉरी जो थर्मल एनर्जी हमने दी है उस मेटल को, उस मटेरियल को, तो उसकी वजह से क्या होता है और उसके फंक्शन की वजह से वो कितना कैरियर करता है, उसकी वजह से जो मिशन होती है उसको दरमियाने के मिशन बोलते हैं। At average room temperature, energy processed by the free electrons and metal sufficient to initiate thermal emission. अगर इसके मतलब ये है इस बात का कि अगर एक नॉर्मल एवरेज रूम टेम्परेचर पे अगर एनर्जी हमने पास कर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ और मेटल के साथ, तो इनसफिशेंटली हमें कोई थर्मियानिक एमिशन वहाँ से या थर्मल एनर्जी या थर्मल प्रोटॉन्स वहाँ से इमिट नहीं हो पाएंगे। तो दरमियाने के मिशन का मतलब ये है कि हम अगर हीट किसी मेटल को देते हैं और वो फ्री मेटल जो हीट जाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दरमियाने एमिशन। दूसरी बात कि ऑल मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम विच टर्न कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंड बाय इलेक्ट्रॉन्स। आप सबको पता है कि सारे मटेरियल्स जो होते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा भी था कि सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, और फिर उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और साथ साथ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडेड होते हैं। These electrons are distributed at various level around the nucleus and thus possess different level of energy. और ये electrons जो होते हैं ये distributed होते हैं मुख्तलिफ level पर, मुख्तलिफ shells में ये मुश्तमिल होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इसकी अपनी अपनी energy level होती है। Now imagine that we start heating at a particular material. अब आप imagine करेंगे अगर हम एक material को, एक कोई भी material है उसको हमने heat देना start कर दिया, थर्मल एनर्जी सो सप्लाइड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं मूवमेंट की एनर्जी को, एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं, किस एनर्जी से कम करते हैं, तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो हीट हमने अप्लाई किया
उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है, मटेरियल के अंदर. दिस काजेस देम टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन देम एंड द प्रोटॉन्स विद इन रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई. तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन का लेवल होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो ख़त्म हो जाएगा. एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्शन उनके बीच में ख़त्म हो जाएगी. और उसकी वजह से क्या होगा, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी एक दूसरे से स्कैटर्ड हो जाएंगे. तो ये चीज़ जो आपको बताने की थी कि जो सारा का सारा थर्मियोनिक एमिशन होता है, ये क्यों होता है, फ्री रेडिकल्स के लिए, फ्री स्पेस बनाने के लिए हम ये सारा का सारा थर्मियोनिक एमिशन करते हैं. फिर क्या होगा, एज ए रिजल्ट नॉक आउट फ्रॉम द मटेरियल विल बी लिबरेटेड इन द स्पेस अराउंड द मटेरियल. उसकी वजह से क्या होगा, हमने हीट प्रोड्यूस कर दिया, हमने हीट मटेरियल को दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल गए. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इसके साथ हीट भी होगा, वो क्या करेंगे, वो मटेरियल के इर्द गिर्द सराउंड करेंगे. एज अ मोर हीट इज सप्लाइड, मोर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड. जब हम और ज़्यादा हीट उसको सप्लाई करेंगे उस मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इजेक्ट होंगे. दिस फिनमिना इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन. ये सारी की सारी जो कहानी थी, ये किस पे थी, थर्मियोनिक एमिशन पे थी. एमिशन ऑफ ऑन आयन इज कॉल्ड थर्मियोन्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी सप्लाइड. और जो इमिशन हो रहा है आयन्स की, हीट की वजह से, उसको क्या बोल देंगे, थर्मियोन्स. थर्मियोनिक एमिशन हैज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई थॉमस अल्वा एडिसन इन 1883. ये जो सारा थर्मियोनिक एमिशन जिसने किया था, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से थर्मियोनिक एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ याद जहन में रखें, और ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मियोनिक एमिशन किसने ऑब्जर्व किया था, कौन था और कब किया था. अब इस चीज़ को देखिए, ये आपके सामने वो मैटर है जिसको हमने अप्लाई किया था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये पहले ये मैटर है, उसको हमने क्या किया था, थर्मल एनर्जी हमने अप्लाई की है. ए को हमने थर्मल एनर्जी अप्लाई की है, उसकी वजह से क्या हुआ है, इसको हमने एनर्जी अप्लाई की है. इलेक्ट्रॉन्स इसके जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, सेकंड पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, जब हमने हीट ज़्यादा प्रोड्यूस की, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल के आ गए और उसके इर्द गिर्द घूमने लगे. जब हमने और ज़्यादा एनर्जी उसको दी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे. From the discussion present, जो हमने बातें अभी किया, it might appear that the number of thermionic emission can be increased up to a large value just by increasing the temperature of substance in hand. बात यहाँ पे मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ थर्मियॉन्स, जो हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको दी है, हमने थर्मल एनर्जी की वजह से जो हमने वहाँ पे लार्ज वैल्यू के साथ वहाँ से क्या होंगे, टेम्परेचर के साथ साथ वहाँ से जो आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ से इमिट होंगे. हाउएवर दिस इज़ नॉट रिलायबल प्रूफ, जैसे कि ये बता रहे कि ये सच नहीं है. दिस फैक्ट इज द नंबर ऑफ थर्मियन लिमिटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्पेस चार्ज. यहाँ पे ये आपको बात ये बता रहा है कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकल सकते. क्यों नहीं निकल सकते, इस वजह से नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ पे स्पेस चार्ज होगा, तो वहाँ पे जो जगह खाली बनती है उसको कवर करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. अरे फिनमिना Within in the liberated thermions around the electrode forming a shield preventing the emissions of further thermions. ये सारे का सारा प्रोसीजर आपको ये बताना चाह रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर कर दिए, लेकिन जब हम हीट वहाँ से बंद करेंगे, तो सारे के सारे जो थर्मियॉन्स का प्रोसेस है, ये उलट हो जाएगा. सारे के सारे आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली जो होंगे, वो अंदर की तरफ आ जाएंगे. रेट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, अब मतलब ये कितने रेट में होगा. इन जनरल एवरी एलिमेंट कैन कैरेक्टराइज बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप सबको पता है कि हर एक एलिमेंट होता है, या हर एक मैटर जो होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड इट न्यूक्लियस, और जो इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं, उस पर भी हम वो करता है, मैटर करता है. व्हेन वी स्पीक थर्मियोनिक एमिशन आवर पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन दी वेरियस इलेक्ट्रॉन्स. जब हम थर्मियोनिक एमिशन की बात कर रहते हैं, तो हम ये चीज़ जहन में रखें कि हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं. हम वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल्स में होते हैं, उसकी हम बात करते हैं. जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसकी हम बात कर रहे होते हैं.
सरफेस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन क्रिएटेड दी रेड ऑफ एनायोनिक एमिशन, जिस मैटर का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे एनायोनिक एमिशन भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल कंसिस्ट इज लार्जर देन देयर विल बी अ ग्रेटर नंबर ऑफ एनायोनिक एमिटेड। अब बात कर रहे हैं अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी एनायोनिक एमिशन भी ज़्यादा होगा। एक्सरे, अब हम ठीक है ये टॉपिक्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, अब हम एक्सरे जो ट्यूब है उसके प्रिंसिपल्स पे हम बात करते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। एक्सरे ट्यूब क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि एक्सरेस की जनरेशन के लिए काम करता है, और इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की एक्सीलरेशन करवाना और डिसलरेट करवाना, उसको तेज़ कर उसकी मूवमेंट को तेज़ करवाना और कम करवाना, और ये काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, एक्सरेस की जो एनर्जी होती है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक्सरे ट्यूब के, ग्लास इन्वॉल्व होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, और प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है। ऐसे कुछ आगे जाके बताता हूँ। ग्लास इन्वॉल्व क्या होता है? मेड ऑफ अ पायरेक्स ग्लास, ये इसके इर्द गिर्द एक किस्म की एक ग्लास सी बनी होती है, और इसका काम क्या करवाना होता है? हीट को ज़्यादा बाहर निकलने से बचाने के लिए करते हैं, और ये वैक्यूम को प्रॉपर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी यूज़ होता है। और इसके साथ साथ ट्यूब विंडो होती है जिसका काम क्या करवाना होता है कि ग्लास इन्वॉल्व को सेगमेंट्स में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करवाना। कैथोड क्या चीज़ है? कैथोड होता है, एनोड होता है, एक साइड पे कैथोड दूसरे साइड पे एनोड। और कैथोड क्या होता है? ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट्स इसमें होते हैं और फोकसिंग कप होते हैं। फोकसिंग कप क्या चीज़ है? ये एक मेटेलिक शॉर्ट कंटेनर होता है जिसके दो फिलामेंट्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पे। अब फिलामेंट क्या चीज़ है? स्मॉल कॉइल ऑफ पायरेटिक टंगस्टन, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है क्या चीज़ है। इसके दो टंगस्टन होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ये चीज़ आपके लिए सिर्फ ये इसके नाम भी ज़रूरी है, अगर आपको इसके नाम भी आने चाहिए तो ये नाम भी आपके लिए ही प्रॉपर है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये सारे के सारे वो आपके सामने आए। अब करते हैं हम बात उस पर एनोड पे कि एनोड क्या चीज़ है। एनोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेशनरी एनोड होता है, एक रोटेटरी एनोड होता है। स्टेशनरी मतलब वो एक जगह पे साकिन होता है, मूवमेंट नहीं करता, और जो रोटेटरी होता है वो रोटेशन करता है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह का होता है, और वो यूजली डेंटल एक्सरेस मशीन्स के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं। रोटेटिंग एनोड क्या होता है? ये इस तरह का होता है और ये रोटेट करवाता होता है, ठीक है, और ये भी हम डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या चीज़ है? ये स्पेशली काम करता है ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। इसका मकसद क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है उसकी इंडक्शन करवाना, और मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ पे उसकी फ्लो को स्टेटर रखवाना, ज़्यादा कम करवाना, ना ज़्यादा तेज़ करवाना। और उसकी वजह से इसका काम ये भी होता है कि ये जो रोटेटर एनोड होता है उसकी रोटेशन करवाना होता है। अब प्रोटेक्टिव हाउसिंग क्या चीज़ है? प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो होती है ये एक्सरे ट्यूब की एक ग्लास टाइप शक्ल की होती है, और इसका काम क्या करवाना है? एक्सेसिव रेडिएशन की एक्सपोजर को प्रिवेंट करवाना, और इलेक्ट्रिक शॉक से जो पेशेंट है या ऑपरेटर है, जो भी है, जो भी बंदा उस चीज़ को चला रहा होता है एक्सरे ट्यूब को, तो उसकी प्रिवेंशन करवाना होता है। इसको प्रोटेक्टिंग हाउसिंग बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और ये डैमेज को भी, एक्सरे ट्यूब के डैमेज से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ क्या होता है कि ये जो होता है कूलिंग, एक फ़ैन भी प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर वो हम बंद कर देते हैं तो उसके बाद ये फिर क्या करता है, और उसको कूलिंग के इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करता है कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये सारा का सारा जो चीज़ आज हमने डिस्कस की है, ये इतना कुछ मुश्किल इसमें बात नहीं है। आसान अल्फाज में आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मेन चीज़ें आपको याद करनी है, इसके पार्ट्स याद रखने हैं, और दरमियाने के मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हर एक पार्ट के बारे में आपको जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। जब आप एक मशीन यूज़ करेंगे तो ऐसे सारे सारे चीज़ें आप जब आप देखेंगे उसके साथ सारा लिखा होगा कि ये इस चीज़ के लिए, लेकिन जब आपको लेक्चर याद होगा तो आपको इसमें और भी आसानी हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ट्रायोड के वॉल्स पे हम बात करेंगे और सेमीकंडक्टर्स पे बात करेंगे और कैथोड रेस के जो ऑसिलोस्कोप्स होते हैं या कैथोड रे के जो हैं या कैथोड बॉल्स पे हैं उस पे हम इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि नहीं मैं हार्ड कॉपी में रख के उससे पढ़ना चाहता हूँ या सॉफ्ट कॉपी में रख के मैं इससे पढ़ना चाहता हूँ, तो वो मुझे काइंडली इस जीमेल पे मुझे जीमेल फॉरवर्ड करें। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके मैं आपको आपके नोट्स इस पर प्रोवाइड कर दूँगा। कोशिश करें बच्चे कि हमेशा ख्याल रखें कि जो भी टॉपिक आप यहाँ से पढ़े तो और तो आप कुछ करते नहीं हैं, उसको आप नोट कर नहीं सकते। नोट करने के लिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए मैंने इस तरह कर दिया है कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिखने से आपको मैं आपको ये तरीका आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इससे एमसीक्यूज़ निकालें, अपने लिए एमसीक्यूज़ निकालें, अंडरलाइन करें, ये आपके लिए एमसीक्यूज़ बन जाएगा इंशाल्लाह। जब आप एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे एक एक चीज़, तो इसके साथ जब आपने जो चीज़ अंडरलाइन की होगी वो आपके माइंड में बैठी होगी कि ये चीज़ तो हमने सर ने सामने बताया था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपके माइंड में होगी इंशाल्लाह। जब आप एमसीक्यूज़ के लिए पेपर में बैठेंगे तो ये चीज़ आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आप सबको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।